सलाम दोस्तों, मैं इस टाइम मौजूद हूँ हफीज सेंटर के बाहर। आज ये सुबह 6 बजे की आग लगी हुई है, दोपहर 3-2.5 बजे का टाइम हो गया है। अभी तक ये आग पर काबू नहीं पाया गया। बहुत ज़्यादा गफलत बरती गई है, बहुत ज़्यादा गफलत। सुबह 5:30 बजे की आग लगी हुई है और अभी तक इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका। ये शाम के दोपहर 2:30 बजे का टाइम हो गया है, अभी तक जो है ना ये आग जल रही है और इस पर अभी काबू नहीं पाया गया। लोग कह रहे हैं अरबों रुपये का नुकसान हुआ है इस एक सेंटर की वजह से। अस्सलाम वालेकुम, ये इस वक्त मैं मौजूद हूँ हफीज सेंटर के बाहर। ये एक लाहौर में इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से मोबाइल और लैपटॉप कंप्यूटर्स, इसके रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स की जो चीज़ें होती हैं, ये एक शॉपिंग सेंटर है, इलेक्ट्रॉनिक सेंटर। यहाँ आग लगी हुई है, सुबह 6 बजे की आग लगी हुई है, दोपहर 3 बजे का टाइम हो गया, अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया। करीबी अजला से भी फायर टेंडर मंगवाए गए हैं मगर अभी तक आग पे काबू नहीं पाया गया। आप देख सकते हैं कि रेस्क्यू 1122 की भारी मशीनें यहाँ मौजूद है और आग इस कदर शदीद है कि पानी का फुल प्रेशर मार रहे हैं, मगर अभी तक जो है ना आग काम नहीं हुई, मज़ीद बढ़ती जा रही है। सारे 5-6 बजे की आग लगी हुई है और 3 बजे का टाइम हो गया, अभी तक आग नहीं बुझी। लोग कह रहे हैं सुबह उसी टाइम फ़ोन करते हैं जिस टाइम आग लगी है, मगर रेस्क्यू वाले 1 घंटे के बाद आए हैं।
पाक ताजरों का नुकसान पूरा करें, यानी आप डिलीट करें एक मोबाइल आम से मोबाइल भी सब तरफ से मेरा आता है एप्पल का आई फोन वगैरह के एक मोबाइल से जो लाख डेढ़ लाख का होता है। एक दुकान में कितने मोबाइल होंगे आपके अंदर और ये लैपटॉप वगैरह कंप्यूटर वगैरह इस तरह के चीज़ें जो हैं यानी अंदाज़ा नहीं कर सकते जितना नुकसान हो गया। ये हफीज सेंटर के बाहर मैं खड़ा हूँ, इधर सुबह की आग लगी हुई है 6 बजे की, अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया। दोपहर तकरीबन 3 बजने हैं और हालात देखें, आग मज़ीद बढ़ गई है दूसरे और तीसरे फ्लोर से, दूसरे फ्लोर से आगे बढ़ती जा रही है। बाहर मेन जो सड़क है मेन बुलेवार्ड की तरफ, उसकी तरफ भी आग फैल चुकी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हफीज सेंटर के बाहर, सुबह 6 बजे की आग लगी हुई है, अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा चुका, अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया। दोपहर 2:30 बजे का टाइम हो गया। बरीना सड़िया हालांकि उधर के नाम से सड़िया तो नहीं है।
दोपहर ढाई बजे का टाइम हो गया, अभी तक फुल आग लगी हुई है। अभी थोड़ा सा भी आग पर काबू नहीं पाया गया। तकरीबन सारा ही जल चुका है हफीज़ सेंटर। सुबह 6 बजे की आग लगी हुई है, अभी तक इस आग पर काबू नहीं पाया गया।